Hey, what's up guys? Welcome back to my channel, नौकर मोटर ऑफिसल guys. तो मेरा नाम है दर्शित कोठारी और मैं आप लोगों का स्वागत नौकर मोटर ऑफिसल चैनल पे तहे दिल से करता हूँ guys. तो यहाँ पे लग चुकी है MH03DX7513, यानी कि ये गाड़ी आ चुकी है महाराष्ट्र से. ओके, गाड़ी आप देख लो, न्यू ब्रांड है और बहुत ही सारी एसेसरीज इसके अंदर करने की है. कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया हुआ है. देख लो पूरी गाड़ी, मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ बाहर से और अंदर से दोनों. पीछे का नंबर देख लो, MH03DX7513. ओके, तो चलिए अंदर की ओर जाते हैं. एक सेकंड, चाबी मेरे पास ही है. पूरी गाड़ी की कंडीशन देख लो गाइस, यहाँ पे कुछ भी एसेसरीज नहीं दी हुई है, खाली ओनली फॉर ये प्लास्टिक की मैटिंग पीवीसी दी हुई है. ओके, यहाँ पे स्टीयरिंग कवर भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. और कंपनी फिटेड CNG 5 सीटर है. देख लो पन्नी भी नहीं निकली हुई है गाइस. तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा वर्क हम लोग करने वाले हैं. एंड तक पूरा वीडियो जरूर से देखना. पीछे यहाँ पे भी देखो, और डिक्की में आपको मैं दिखा देता हूँ. यहाँ पे कंपनी फिटेड जो CNG, इसको हम लोग मॉडिफिकेशन करके पूरी सीलिंग बनाने वाले हैं और पर्दे लगाने वाले हैं और पीछे की बेबी सीट भी लगाने वाले हैं. तो गाइज बहुत ही मज़ा आएगा ये गाड़ी बनाते हुए. व्हील कैप्स भी नहीं दी हुई है. आगे हम लोग लगाने वाले हैं 6 LED जो कि हमारे वहाँ फेमस है. ओके, और दूसरी बात कि यहाँ पे अभी दिल्ली से गाड़ी आ चुकी है पहली बार नौकर मोटर पे, इसका भी पूरा वीडियो बनेगा. और ये तो काम अभी स्टार्ट होने जा रहा है, तो देखना बहुत ही ज़बरदस्त काम होने वाला है. फिर से MH03DX7513. ओके, तो चलिए काम स्टार्ट किया जाता है. गाइस आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो MH यानी कि महाराष्ट्र की गाड़ी है, MH03DX7513, यानी कि ये जो महाराष्ट्र गाड़ी आई हुई है, इसके अंदर हम लोग डालने वाले हैं 6 LED जो कि हर एक गाड़ी में हम लोग लगाते हैं. बहुत ही पावरफुल है. आगे हमने KNY कंपनी के हॉर्न भी लगा दिए, आप देख रहे हो यहाँ पे. ओके, और ये LED यहाँ पे लगेगी जो 6 LED है, बहुत ही पावरफुल है. और अंदर हम लोग बहुत ही अच्छा सा काम करने वाले हैं. 4-door पावर विंडो है, देख लो काम भी स्टार्ट हो गया है. यहाँ पे हम लोग एंड्रॉयड प्लेयर लगाने वाले हैं, बहुत ही अच्छा सा. MyTVS कंपनी अभी मैं नया लाया हूँ, मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बताता हूँ. यहाँ पे CNG का मॉडिफिकेशन स्टार्ट है. गाइस आप देख रहे हो कि MH03DX7513 यानी कि जो ये महाराष्ट्र गाड़ी आ चुकी है, उसके अंदर पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन का काम भी स्टार्ट है. ओके, तो मैं आपको सभी चीज़ दिखाने वाला हूँ कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं. देख लो हम लोग यहाँ पे RD कंपनी की जो एम्पलीफायर वूफर की वायरिंग किट है, जो 8 गेज की है, वो लगाने वाले हैं. यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैवी वाले प्योर कॉपर के बेस ट्यूब लगाने वाले हैं. आप देख रहे हो कि ऊपर की सीलिंग का भी काम स्टार्ट है. यहाँ पे हम लोग डोर पैनल भी बनाने वाले हैं. इसके अंदर सेंट्रल लॉक, इसके अंदर 4-door पावर विंडो का काम भी स्टार्ट है. देख लो गाइस, तो आप देख लो कि पूरी की पूरी जो यहाँ पे कंसील वायरिंग हम लोग कर रहे हैं. देखो कोई भी हम लोग प्रॉब्लम होता नहीं है कंसील वायरिंग से. कंपनी वाले या कुछ भी आफ्टर मार्केट बाहर से नीचे से वायरिंग करते हैं तो दिक्कत होता है, वायर कट हो जाता है, फिर मेंटेनेंस में गाड़ी जाती है. तो हम लोग ऐसा कुछ भी तरीके से काम नहीं करते जिसके लिए कस्टमर को दिक्कत हो. आप देख रहे हो पूरी की पूरी जो वायरिंग है वो कंसील जा रही है. तो गाइज आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे MH03DX7513 यानी कि ये आ चुकी थी महाराष्ट्र से. ओके, आज ये गाड़ी का भी दूसरा दिन है
और ये गाड़ी में बहुत ही अच्छा सा वर्क किया हुआ है। पूरी गाड़ी हम लोग बना रहे हैं पर्पल और ब्लैक कलर में। देखो पूरा का पूरा वर्क भी स्टार्ट है। यहाँ पे भी सीट कवर कस्टमाइज, इसमें सीट कवर कस्टमाइज हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने पर्पल कलर के विंडो कर्टन लगा दिए हैं। अभी तो सीट कवर का काम स्टार्ट है। सीलिंग बनाने वाले हैं, डोर पैनल बनाने वाले हैं। यहाँ पे आगे एंड्रॉइड प्लेयर माई टीवीएस का भी जो मैं नया लाया हूँ वो भी करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोगों ने फुट ब्लैक अच्छा सा कर दिया है, जो कि बहुत ही इसका सेफ्टी होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पाँव रखते हैं तो ये खराब हो जाता है। इसके लिए हम लोगों ने प्रॉपरली वर्क किया हुआ है, देख लो आप। और ये गाड़ी के अंदर हम लोगों ने काम किया है फोर डोर पावर विंडो। ये कंपनी की ओरिजिनल जो मशीन है वो हम लोगों ने निकाल दी है, उसकी जगह पे हम लोग जो कस्टमाइज करके मशीन डालते हैं वो हम लोगों ने डाली हुई है। गाइस आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोगों ने पर्पल और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में पूरा का पूरा जो हम लोग इंटीरियर बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने आरडी कंपनी के पीछे के ओवल स्पीकर लगा दिए। और ये यहाँ पे हम लोगों ने पूरी की डोर पैनल भी है वो भी पर्पल और ब्लैक कलर के अंदर। एक चीज़ हम लोगों ने अच्छी सी एक्स्ट्रा करी हुई है, ये आप देख रहे हो पाइपिंग, वो पाइपिंग नहीं है बट इसके अंदर है, ये है एम्बिएंट लाइट, जो कि बहुत ही अच्छा सा वर्क होने वाला है ये कार के अंदर। देखो ये पूरी की पूरी जो एम्बिएंट लाइट है हर एक डोर पे, आगे के डोर पे करा हुआ है काम। देख लो यहाँ पे भी हम लोगों ने आरडी के स्पीकर, और पूरे का पूरा जो इंटीरियर वर्क है वो पर्पल और वाइट कलर के अंदर है। पूरी सीलिंग भी पर्पल और वाइट कलर में बनने वाली है। तो गाइस एंड तक पूरा वीडियो देखना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि ये आपको काम कैसा लगा और ये आपको गाड़ी का, अब जो मैं रेट भी बताने वाला हूँ कि ये गाड़ी कितने में हुई है। ओके, तो ये गाड़ी का पूरा वर्क स्टार्ट है अभी। तो फाइनली गाइस यहाँ पे दो गाड़ी का काम ख़त्म हो चुका है। तो अभी ये जो गाड़ी है जो MH यानी कि महाराष्ट्र से आई हुई है मुंबई से, ओके, तो पूरा का पूरा काम बहुत ही अच्छी तरह से ख़त्म हो गया। दो दिन यहाँ पे ये कार यहाँ पे खड़ी थी और पूरा का पूरा जो वर्क है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपको हर एक चीज़ में दिखाता हूँ कि ये गाड़ी के अंदर हम लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि आरडी कंपनी का सेंटर लॉक हर एक गाड़ी में मैं डालता हूँ। यहाँ से लॉक, यहाँ से अनलॉक, ओके। तो गाइस बहुत ही बढ़िया सा वर्क हो चुका है। तो चलिए नज़दीक जाते हैं और रात के बज चुके हैं 11, ओके, तो बहुत ही बढ़िया सा काम हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि क्या क्या काम हम लोगों ने किया हुआ है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं तो 6 LED जो कि हर एक गाड़ी में हम लोग लगाते हैं यहाँ पे लग चुका है। KNY कंपनी का हॉर्न, नंबर प्लेट बहुत ही अच्छी सी है और देख लो MH03DX7513, ओके, यानी कि ये गाड़ी आ चुकी थी महाराष्ट्र मुंबई। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आगे हम लोगों ने 6 LED लगाया है और अंदर लगा हुआ है KNY कंपनी का हॉर्न। तो मैं अभी आपको मैं चेकआउट करता हूँ क्या क्या हम लोगों ने काम किया हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों ने की लगाई, ओके।
तो गाइज यहाँ से हम लोग स्विच गिराते हैं, तो आगे फॉग लैम्प का फोकस देख लो, बहुत ही पावरफुल है। मैं यहाँ से फिर से आपको एक बार चेकआउट कराता हूँ पूरी की पूरी जो कार है वो कैसी बनी है। ओके, तो यहाँ से आपको मैं फोकस दिखाता हूँ, देखो पूरा का पूरा फोकस एक नंबर है और हेडलाइट्स भी अभी बंद है, तो आप गाइस चेक कर सकते हो कि फोकस कितना दूर जा रहा है। यहाँ से भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसा फोकस जा रहा है, देख लो यहाँ से पूरी बिल्डिंग कवर होती है। गाइस देख रहे हो कैसा काम किया हुआ है। तो अंदर की ओर डोर पैनल विथ एम्बिएंट लाइट और पर्पल और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में, कर्टन्स भी बहुत ही ज़बरदस्त, सीट कवर्स इस बार नई पैटर्न देखने को मिलेगी आपको। देखा गाइस एक नंबर लुक, यहाँ पे टू डोर पावर विंडो आईडी कंपनी के, स्टिचिंग वाला स्टीयरिंग कवर जो कि सीट कवर के कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ब्लैक स्टिचिंग और पर्पल स्टीयरिंग कवर। यहाँ पे हम लोगों ने हेवी वाला आर्मरेस्ट लगा दिए, देखो यहाँ पे कुछ सामान भी रख सकते हो और बहुत ही अच्छी सी स्पेस भी है। यहाँ पे कट भी दिया हुआ है, ये हेवी वाला आर्मरेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त वाला, और यहाँ से आप हैंड ब्रेक अप डाउन कर सकते हो। ऊपर की पूरी सीलिंग एक नंबर, उसमें भी पर्पल वाइट सॉरी पर्पल ब्लैक। यहाँ से गाइज ये हम लोग फूड ब्लैक करते हैं जो कि यहाँ पे ख़राब नहीं होता है। ओके, यहाँ पे नीचे फ्लोरिंग कारपेट मैटिंग भी लगा दी है, सामने फूड ब्लैक। पीछे की ओर बहुत ही ज़बरदस्त और कंफर्ट। यहाँ पे गाइज हम लोगों ने हैवी वाली सीट लगा दी है, आप देख रहे हो ब्लैक और पर्पल में बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रहा है। गाइज इसकी इस सीट में आपको दिखा देता हूँ जो कि हैवी वाली और पार्टी वाली है। ओके, यहाँ से बहुत ही हैवी पाइप लगा हुआ है और लकड़े के वुडन्स के पेड़ भी लगे हुए हैं, तो बैठने वाले को दिक्कत भी नहीं होगा और एकदम हैवी पाइप है। देखो आप यहाँ से स्क्वायर पाइप है, राउंड पाइप भी आता है। नीचे फ्लोरिंग कारपेट मैटिंग, सीट मॉडिफिकेशन हम लोगों ने कर दी थी, ऊपर सीलिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त, पूरा का पूरा इंटीरियर वर्क बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया हुआ है। गाइस तो यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया है डिकी का लॉक जो कि हर एक गाड़ी में हम लोग लगाते हैं और ये कंफर्ट भी है। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज़ कैसा है। यहाँ से अपने बंद करते हैं, ये गाड़ी पूरी की पूरी टेकअप हो जाती है और सेंटर लॉक भी डाला हुआ है, तो सेंटर लॉक से आप लॉक करोगे तो ये खुलेगा नहीं और सेंटर लॉक से अनलॉक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा।
देख लो हर एक चीज प्योर फिनिशिंग के साथ फिटिंग, देख लो इस शर्ट का भी लुक बहुत ही जबरदस्त है। एम्बिएंट लाइट्स गाइस, आपको मैं अभी लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ कि उसका प्रॉपर व्यूज कैसा आता है। और यहाँ पे लगा दिया है हम लोगों ने माई टीवीएस का एंड्रॉइड प्लेयर, बहुत ही अच्छी सी ब्रांड है, 2 GB 32 GB हार्ड डिस्क और 2 साल की वारंटी है, बहुत ही अच्छा सा है। इक्विलाइजर भी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें लाउड ऑन ऑफ की सिस्टम भी दी हुई है। इसका शायद में वीडियो है तो आपको इसकी क्लियरिटी वाले भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, बट इसमें होना ज़रूरी है। ओके वीडियोस, ओके देखो क्लियरिटी भी ज़बरदस्त है। तो गाइस जैसा काम करवाना चाहते हो तो बहुत ही यहाँ पे आपको नौकर मोटर्स और वडोदरा में आना पड़ेगा, बहुत ही खूबसूरत काम होता है। यहाँ पे हम लोगों ने आरडी कंपनी का वूफर भी लगा दिया है और यहाँ पे सीट के क्लैंप भी लगा दिए हुए, जो कि आरडी कंपनी का, देखो आप वूफर भी बहुत ही कंफर्ट तरीके से पैकअप हो चुका है। और सीएनजी की भी पाइपिंग वही रहती है, जो कोई भी पाइपिंग हम लोग कट नहीं करते हैं। ऐसी गाड़ी गाइस आप लोग बनाना चाहते हो तो नौकर मोटर सर्च करो, यूट्यूब पे हमारी चैनल है, और जो बंदा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बहुत ही अच्छा सा वर्क होता है यहाँ पे। तो कैसा लगा गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और पूरी गाड़ी का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर ज़रूर से करना, और ऐसी नई नई अपडेट आपको ज़रूर से मिलेगी, वो नौकर मोटर पे ही मिलेगी।